हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी, मेरी फेवरेट है। आज मैं बना रही हूँ सूजी और मावे की गुजिया, और वो भी बिना मोल्ड या बिना किसी साँचे के बनाई है। अब क्यों बिना मोल्ड के बनाई है आगे बताती हूँ। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बाउल भर के मैदा लिया है और 1 बाउल गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो प्योर मैदे से भी बना सकते हैं या आप टोटल आटा यूज करके भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और 3 चम्मच भर के मैंने डाला इसमें देसी घी। और अब देसी घी और आटे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करना बहुत जरूरी है, ये स्टेप जरूर करें। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसे हाथ में लेके टाइट पकड़े और इसका एक लड्डू सा बनना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो घी है वो परफेक्ट है। बस अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। अगर आपका लड्डू ठीक से नहीं बन रहा है पकड़ने पे तो आप थोड़ा सा घी और डाल दें। घी डालने से ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। आप चाहे तो घी के बजाय ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने आटा इसका बढ़िया सा गूंद लिया है। अब हम इसे रख देते हैं। इसकी अब हम बनाएंगे फिलिंग। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 से 3 चम्मच घी डाला है। अब मैं इसमें 1 बाउल भर के सूजी डाल रही हूँ। सूजी को घी के साथ अच्छे से हमें सेक लेना है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है ना तो वो मिलती नहीं है। बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने जिस दिन ये गुजिया बनाई उस दिन मैंने मोल्ड को बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिले, और फिर इसलिए मुझे बिना मोल्ड के ही बनाना पड़ा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बनी और मैंने कुछ नया सीखा, मुझे अच्छा लगा। तो सूजी हमारी सीख चुकी है। अब एक कढ़ाई में मैंने फिर से 2 चम्मच घी डाला है और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं, काजू, बादाम, खोपरा, किशमिश, चारोली, जो भी डालना चाहते हैं सभी को थोड़ा सा पीस ले और उसे हल्का सा रोस्ट कर ले। अब मैंने इसमें डाला है 1 बाउल भर के मावा। मावा जैसे ही गर्म होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाल दी है 1/2 बाउल भर के शक्कर। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1/2 बाउल से थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डाल दें। शक्कर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है मावे के साथ, सिर्फ मेल्ट हो जाए इतनी देर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिकी हुई सूजी, और इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना इसकी बर्फी जमने लग जाएगी। बस हमें सिर्फ मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाली हूँ 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर, और ध्यान रहे कि हमें सिर्फ गरम गरम मसाले को मिक्स करना है, पकाना नहीं है। अब हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम आटा देख लेते हैं। आटा भी बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी एक छोटी सी बॉल लेनी है और एक इसकी पतली सी पूरी बेलना है। मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ, 2 तरीके से आप बना सकते हैं बिना साँचे से। पतली सी पूरी बेल ली है मैंने, इसके चारों तरफ मैंने पानी लगा दिया है हल्का सा। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे फिलिंग भरने के बाद और इसे एक दूसरे से चिपका देंगे। अब पहला तरीका ये है कि आप इसे फोक से कर सकते हैं, इससे डिज़ाइन भी बन जाएगी और जब हम फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी भी नहीं। तो एक इस टाइप से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। दूसरी डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसे फिंगर से बस प्रेस करते जाना है, तो इससे भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बन जाएगी और ये खुलेगी भी नहीं। आपको दोनों में से जो डिज़ाइन पसंद आए आप वैसी डिज़ाइन की बना सकते हैं। और टेस्टी तो इतनी बनी थी कि मेरी मदर इन लॉ ने भी इसकी तारीफ़ की थी। अक्सर क्या होता है ना कि अपन कुछ भी चीज़ देते हैं मदर इन लॉ को तो वो अक्सर कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाल ही देती हैं कि इसमें ये डाल देना था तो और अच्छी लगती, मैं तो ऐसे बनाती थी, तुम तो ऐसे नहीं बनाती हो। लेकिन जब मैंने उन्हें ये गुजिया खिलाई ना, सी हैज़ नो वर्ड टू से एनीथिंग, मीन्स उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इसकी तारीफ भी की। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी टेस्टी बनी होगी। इस टाइप से बना के देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे बनी थी। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।